तो अलग अलग योग की शाखाएं किस प्रकार चेतना के विकास में सहायक है या उपयोगी है। ठीक है, तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, ज्ञान भक्ति कर्म हठ और मंत्र अष्टांग, मंत्र और अष्टांग योग। तो छह प्रकार के ये योग हैं, ये अपने पाठ्यक्रम में दिए हैं, ये किस प्रकार चेतना को प्रभावित करते हैं या चेतना के विकास में। तो मूल चेतन तत्व चेतना क्या है? शुद्ध स्वरूप में है, शुद्ध स्वरूप में है, लेकिन अविद्या के कारण वो बुद्धि से संयोग होने पर वैसी ही स्वयं को मानने लगती है, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्यनुपश्य, लेकिन जैसा बुद्धि चित्त देख रहा है वैसा ही बन जाता है। तो अविद्या ग्रस्त होने के कारण वो फिर अपने आप को जड़ ही मानने लगता है, जड़ ही मानने लगता है। तो अब ज्ञान योग, ज्ञान योग क्या करता है? अलग अलग अभ्यासों के माध्यम से, बहिरंग अंतरंग साधनों के माध्यम से अविद्या के आवरण का नाश करता है, अविद्या के आवरण का नाश करता है और भीतर ज्ञान को प्रदीप्त करता है। और ज्ञान के माध्यम से वो क्या करता है? अपनी चेतना का साक्षात्कार करता है। और चेतना का साक्षात्कार होते ही अशुद्धि अविद्या का नाश हो गया और उसकी चेतना, जो व्यष्टिगत चेतना, समष्टिगत चेतना, उसका चेतना का विस्तार हो जाता है। जो स्वयं जानता मैं हूं तो वो सब में आत्मा देख रहा होता है। इस प्रकार ज्ञान योग के माध्यम से वह समष्टिगत चेतना में लीन हो जाता है, वहां तक पहुंच जाता है। तो श्रवण मनन निधि ध्यासन के माध्यम से विवेक वैराग्य सट संपत्ति और मोक्षत्व के माध्यम, अभ्यास के माध्यम से वो अविद्या का नाश करते विद्यावान बन जाता है, आत्म चेतना का साक्षात्कार कर लेता है। और आत्म चेतना के साक्षात्कार से विवेक ज्ञान उदय होता है, हमने योग सूत्र में पढ़ाई है। तो इस प्रकार ज्ञान योग चेतना को ऊंचा उठाता है, अविद्या का नाश। जो चेतना का स्तर, जिसको हम कह सकते हैं विक्षिप्त मूड क्षिप्त, उससे उठाकर एकाग्र और निरुद्ध तक ले आता है, निरुद्ध तक ले आता है कौन? ज्ञान योग। अब भक्ति योग। तो जो भक्ति योग है वो बड़ा विलक्षण है, वो बड़ा विलक्षण है। यहां तो कुछ अभ्यास किया जाता है और यहां केवल प्रेम और समर्पण। किसके प्रति? ईश्वर प्रणिधान। जो सबका गुरु है, सबको ज्ञान देने वाला है, उससे एक अनन्य प्रेम और उसको समर्पण कर दिया जाता है, उससे समर्पित हो जाते हैं। तो उसके समर्पण से, उस प्रेम से चेतना अपराइज हो जाती है, चेतना रूपांतरित हो जाती है, पता ही नहीं चलता। यहाँ तो अभ्यास कर रहा है, धीरे धीरे ज्ञान हो रहा है, बोध हो रहा है, अभ्यास कर रहा है, फिर बोध हो रहा है और धीरे धीरे, और यहाँ हृदय में एक थोड़ा प्रेम समर्पण रहा और फिर एक प्रकाश जाग गया। तो ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर कृपा से, उस कृपा से जो ज्ञान होता है वह तो और विलक्षण होता है, वह तो कभी नष्ट भी नहीं होता है। ज्ञान योगी तो फिर भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि ज्ञान का प्रयोग नहीं करा तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन भक्ति योगी कभी नष्ट नहीं होता है। उसका वो समर्पण उसको तार देता है, वो तार देता है। उसमें भी नौ प्रकार के हैं, श्रवण पूजन कीर्तन पाद सेवन थका, इतने सब किस प्रकार के जो भाव है वो भक्ति योगी को भक्ति बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। तीसरा कर्मयोग। पुरुन्ने वेह कर्माणि जिजि विशेषतम समा एवं तुम नान्यथे तो अस्ति ता कर्म लिप्यते नरे। तुम बस कर्म
कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाच मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। तो कर्म करो केवल, फल की इच्छा नहीं, ऐसा नहीं करोगे तो आसक्ति नहीं होगी। क्या नहीं होगी? आसक्ति। आसक्ति नहीं होगी तो वैराग्य का उदय होगा, वैराग्य का उदय होगा तो विवेक ज्ञान आएगा ही आएगा। तो कर्म योग भी चेतना को शुद्ध करते करते ऊंचा उठा देता है। शुरू में इतना ही चेतना ध्यान रखना कि बस मुझे कर्म करना है, जो मिला उसको करते रहो, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी है, परिणाम की चिंता नहीं करनी है। तो उसके फलस्वरूप आसक्ति का, मोह का, इन सब का नाश हो जाता है। उत्तरोत्तर नाश होने से वैराग्य और वैराग्य से विवेक ज्ञान, तो फिर कर्म योग से भी चेतना अपनी आत्म चेतना का साक्षात्कार कर लेती है, वो जान लेते हैं, जान लेती है, और उसको कोई भी कर्म बांधता नहीं था, वो भी मुक्त रहता है। मुक्त चेतना वही आत्म साक्षात्कार की स्थिति है, मुक्त होने की वही मुक्त है। हट योग, इसमें कुछ अभ्यासों के माध्यम से पहले नस नाड़ियों को शुद्ध किया जाता है, और नस नाड़ियों की शुद्धि के पश्चात जो कर्म संस्कार है उनका प्राणायाम के माध्यम से, कुंडली जागरण के माध्यम से संस्कारों का नाश किया जाता है, और यहां पर भी मुक्त हुआ जाता है। तो ये अभ्यास के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से शुद्धि करता है। पहले शुद्धि शरीर की होती है, फिर मन की होती है, उसके बाद चेतना की शुद्धि होती है। चेतना के ऊपर जो आवरण है, यहाँ षट चक्र, हठ योग के अंदर षट चक्र के माध्यम से, षट चक्र भेदन के माध्यम से जो चेतना के ऊपर चित्त का आवरण मल है, वो उनके भेदन के साथ मलों का विक्षेप किया जाता है। ज्यों ज्यों मलों का निष्कासन होगा, हटाया जाएगा, क्यों क्यों चेतना अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होती जाएगी, और हठ योग अपने चेतना के शुद्धतम स्वरूप को प्रकट कर देता है। इसलिए हठ योग का उद्देश्य ही राजयोग बताया गया था, समाधि। राजयोग का अर्थात अष्टांग योग नहीं, क्या? समाधि। वो आत्म चेतना का साक्षात्कार। अब मंत्र योग, मंत्र विशेष शक्ति केंद्र होते हैं, शक्ति धारा होती है। तो विशेष शक्ति धारा का जप करने से वह शक्ति धारा, उस शक्ति धारा के साथ कनेक्शन हो जाता है साधक का, उस शक्ति धारा के साथ साधक का कनेक्शन हो जाता है, और उस कनेक्शन से उसकी चेतना उसके जैसी बन जाती है जिसका मंत्र जप रहा है, उस मंत्र के जैसी बन जाती है। इसलिए चेतना का रूपांतरण, चेतना का विकास हो गया, सामान्य से विशिष्ट हो गया, सामान्य से विशिष्ट हो गया। और अंत में अष्टांग योग, आठ अंगों के द्वारा चेतना अशुद्धि नाश और ज्ञान दीप्ति, अशुद्धि का नाश और ज्ञान दीप्ति, उसके अलावा सारी समाधियां, सिद्धियां, सब कुछ, और पूर्ण कैवल्य तक पहुंच जाता है, पूर्ण कैवल्य तक पहुंच जाता है। इस प्रकार ये योग चेतना को कितना विकसित करते हैं, इनके अभ्यास के माध्यम से किया जाता है, अभ्यास के माध्यम से किया जाता है। अब आपको कुछ पूछना हो इसमें तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना? ज्ञान भक्ति कर्म हट मंत्र अष्टांग किस प्रकार चेतना का विकास में, चेतना के रूपांतरण में भूमिका निभाती है, कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रश्न ऐसा हो तो पूछ लीजिए, किस प्रकार ये प्रभावित करते हैं। हम लोगों के लिए अभी के अभ्यास देखा जाए, क्योंकि हम शरीर लेवल को जीते हैं, शरीर के स्तर को हम जीते हैं, तो हम सामान्य आसन का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, ठीक है, ये हो सकते हैं। दूसरा, हम भक्ति योग का अभ्यास करें, इसमें भी ये भी सरल है हम लोगों के लिए। तत्पश्चात इनमें से हट योग के साधनों का, तो आसन प्राणायाम में आ गया, मुद्रा बंद भी आप कर लो, मुद्रा बंद, तो ये हट योग का और अष्टांग योग का आ गया, और फिर हम कर्म योग का अभ्यास कर सकते हैं।
पूरा तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत अभ्यास कर सकते हैं। कर्म करते रहे, जो कर्तव्य कर्म है, लोग बोलते ना ड्यूटी निभा रहे, ड्यूटी तो बहुत सैलरी देता है, उसके लिए हम कितने हम कर्तव्यबद्ध रहते हो, कहा तो किया, नौकरी पे 7 बजे आना है, 7 बजे पहुंच गए, 5 बजे। इसी प्रकार हमें जो जीवन दे रहा है आत्मा, बॉस की उन्नति हो रही इसलिए बॉस शरीर दे रहा है, तो जीवन दे रहा है आत्मा, से आत्मा की उन्नति हो तो उसके लिए हम कुछ ड्यूटी निर्धारित कर ले, कुछ कर्म कर्तव्य है तो क्या कर लिया कि भाई चिंता नहीं करनी है, कोई भी फल का परिणाम नहीं सोचना है मुझे, जो कर्म किया उसको समर्पित कर दिया ईश्वर को, ईश्वर के प्रति भक्ति रख ली। कुछ कुछ धीरे धीरे भक्तों को पढ़ेंगे, भक्त की जीवन गाथाओं का अध्ययन करेंगे, भक्ति ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और इन अभ्यास आसन प्राणायाम मुद्रा बंद का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे, शरीर सबल हो जाएगा, तो हमारी चेतना रूपांतरित भी हो जाएगी, चेतना विकसित भी हो जाएगी, ज्ञानवान, और शरीर का आरोग्य भी प्राप्त हो जाएगा, शरीर का आरोग्य भी, चिंता दुख शोक नहीं रहेंगे तो मानसिक आरोग्य नहीं बिगड़ेगा। और आसन प्राणायाम मुद्रा बंद का अभ्यास करेंगे, शरीर बलिष्ठ हो जाएगा, तो शरीर के बल के लिए और मानसिक बल, भावनात्मक बल के लिए भक्ति योग कर्म योग, इस प्रकार यदि हम अभ्यास करें तो धीरे धीरे हमारी चेतना, एक जो सुपर चेतना कहते हैं, अति मानस कह सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हो तो बताइए, पूछिए, नहीं तो इसको यहाँ पूर्ण करते हैं, कल शिक्षण आरंभ करेंगे।